मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वनस्पतियों में इतनी भिन्नता है कि अगर कोई इंसान सभी वनस्पतियों का सही ढंग से प्रयोग करे तो वो पता नहीं कितने साल जिंदा रहेगा। 100 साल तो एकदम जीना मक्खन है। आज भी जो वनस्पति हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक वनस्पति है और इसको लेकर के कुछ मेरे बहुत ही अलग अनुभव है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसे कि कुछ महीनों पहले एक आयुर्वेदिक कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया। वे डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए दवा बना रहे थे और उसमें मेरी हेल्प लेनी चाहिए और हम लोगों ने मिलकर के उस फॉर्मुलेशन पे काम किया। तो शुरुआत की हम लोगों ने डायबिटीज़ के लिए बहुत अलग अलग वनस्पतियों की लिस्ट बनाई और रिसर्च भी किया कि एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो मार्केट में दवाओं में डायबिटीज़ के अलग अलग फार्मेसियाँ क्या डाल रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च किया हम लोगों ने। ग्रंथों को भी पढ़ा और इसमें एक्चुअली ये सब करते समय मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि एक वनस्पति थी खास करके जो हर कहीं आगे आ रही थी डायबिटीज़ के फॉर्मुलेशंस में, वो वनस्पति है बिम्बी यानी कि कुंदरू। ये वीडियो हम लोग एक्चुअली उस पर करने वाले हैं और ये एक जबरदस्त वनस्पति है। तो आइए इस पे डिटेल में जानकारी लेते हैं। ये जो लता आप देख रहे हैं इसे बिम्बी कहते हैं। बिम्बी का बोटानिकल नेम कोक्सिनिया ग्रैंडिस है। इसे अंग्रेजी में आईवी गूर्ड कहते हैं। संस्कृत में इसे बिम्बी, रक्तफला, तुंडिका, तुंडी, तुंडिकेरी कहते हैं। हिंदी में इसे कुंदरू कहते हैं, गुजराती में घोला और मराठी में इसे कड़ू तोंडली कहते हैं। आयुर्वेद में ज्यादातर इसके जड़, पत्ते, फल और फूलों का प्रयोग किया जाता है। बिम्बी में कफ और पित्त को नियंत्रित करने वाले गुण होते हैं। इसके सेवन से त्वचा रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियां ठीक होती है। अगर कोई सिरदर्द से परेशान है तो बिम्बी की जड़ को पीसकर सिर पर लगाने से सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। अगर कोई कान के दर्द से पीड़ित है तो बिम्बी के रस में सरसों का तेल मिलाकर 1-2 बूंद कान में डालें। इससे कान का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर किसी को जीभ पर छाले हो गए हैं तो बिम्बी के हरे फलों को चूसें। इससे छाले तुरंत ठीक हो जाते हैं। किसी किसी को सांस की नली की सूजन की बड़ी परेशानी होती है, ऐसे लोगों को मैं एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। बिम्बी की पत्तियां और तने का काढ़ा बनाकर पीने से सांस की नली की सूजन बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अगर किसी मरीज को आंतों में कीड़े हो तो ऐसे में बिम्बी के पेस्ट से पकाए हुए घी की 5 ग्राम मात्रा का सेवन करने से आंतों के कीड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अगर कोई गठिया के दर्द से पीड़ित है तो बिम्बी की जड़ को पीसकर जोड़ों पर लगाएं। ऐसा करने से दर्द और सूजन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के त्वचा रोगों में भी ये वनस्पति जबरदस्त काम करती है। ध्यान से सुनिए। बिम्बी की पत्तियों को तेल के साथ पकाकर तेल को सिद्ध कर ले, फिर इसे छान कर त्वचा के प्रभावित हिस्से पर लगाए। ऐसा करने से सभी तरह के त्वचा रोगों में तुरंत लाभ होता है। और एक नुस्खा सुनिए। अगर कोई कुष्ठ रोग से परेशान है तो चित्रकमूल, बड़ी इलायची, बिम्बी, अड़ूसा की पत्तियां, निशोथ, मदारपत्र और सोंठ, इन सभी द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इसके लेप को शरीर पर लगाकर कुछ देर धूप में बैठने से कुष्ठ में लाभ होता है। और एक नुस्खा सुनिए। अगर कोई घाव ठीक नहीं हो रहा हो तो बिम्बी की पत्तियों को घी के साथ पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भरता है। और आगे बढ़ते हैं, सभी प्रकार के बुखार में भी ये वनस्पति जबरदस्त काम करती है। ध्यान से सुनिए। बिम्बी की जड़ और पत्तियों को पीसकर इसका रस निकाल लें।
इस रस को पूरे शरीर पर लेप करने से बुखार काफी जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बिंबी वनस्पति जबरदस्त विषनाशक भी है। अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो ऐसे में उस जगह पर इसके फलों को पीस कर लगाएं, इससे जहर का प्रभाव कम हो जाता है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में ही इस एपिसोड के बताया, डायबिटीज के लिए यानी मधुमेह के लिए एक्चुअली बिंबी ये कुंदरू जो है वो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसमें खास करके इसके फल का प्रयोग किया जाता है, तो फल को सुखा करके और अगर प्रयोग करते हैं चूर्ण के तौर पे तो ये डायबिटीज को जबरदस्त उसमें लाभ करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी और मेरे अनुभव काफ़ी बार शेयर करते रहता हूँ। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।